क्या नाम था आरोपी और कहाँ गोली लगी है? दो व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो दो लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है, कहाँ भेजा गया और सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है, कब कोई लेके आए दिक्कत थे नहीं। यहाँ पे? क्या 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। पुलिस का मुठभेड़ हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? जी, थाना हरदी के क्षेत्रांतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई, और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था, और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पर छिपाया गया था, और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है, और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी, अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहिम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है, और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है, शीघ्र शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है, और अन्य जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी बिल्कुल जारी रहेगी, जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में लाई। कहाँ पर गोली लगी है इन दोनों को? जी, अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं, मौके पर पहुंच के फिर आगे की सूचना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके।